में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। बुंदेलखंड के योगी अयोध्या के ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने नंगे पैर निकल पड़े पैदल। सनातन सदी में मोदी योगी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है दिव्य नजारा। दरअसल आपको बता दें कि करोड़ों राम भक्त अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का साक्षी बनने की इच्छा रखते हैं, तो वहीं कई ऐसे राम भक्त हैं जो कठिन परिश्रम कर भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा और अटूट प्रेम को दर्शा रहे हैं। एक तरफ रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ 500 वर्षों बाद सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे भगवान राम की झलक पाने के लिए भक्त कठिन परिश्रम कर रहे हैं। बुंदेलखंड के योगी नाम से चर्चित महाराज योगी सत्यनाथ भी ओरछा से पैदल अयोध्या के लिए चल पड़े। 4 दिन का कठिन सफर नंगे पैर तय करते हुए 159 किलोमीटर की दूरी के बाद आज महुआ पहुंचे हैं। योगी की महुआ पहुंचते ही राम भक्तों ने उन पर पुष्प वर्षा कर राम नाम की जयकारे लगाए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की निवाड़ी जनपद के रहने वाले योगी सत्यनाथ अयोध्या के ऐतिहासिक पल और भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा को और अटूट बनाने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। योगी सत्यनाथ अपने शिष्यों के साथ राम भजन करते हुए अयोध्या के लिए चल पड़े। आज महुआ पहुंचे योगी सत्यनाथ का राम भक्तों ने जमकर स्वागत किया, फूल माला पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। उनकी इस यात्रा में हौसला बढ़ाने के लिए महुआ के लोगों ने राम नाम के जयकारे भी लगाए। योगी सत्यनाथ बताते हैं कि लगभग 500 किलोमीटर की दूर अयोध्या जाने के लिए घर से निकले हैं और प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचने की उनकी इच्छा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य आने वाले समय में सनातन की रक्षा और उनका मान बढ़ाना है, यही नहीं सनातन का विरोध करने वालों को सबक सिखाना भी है। इनका उद्देश्य है कि इसलिए वह नंगे पैर अयोध्या की यात्रा पर निकले हैं ताकि सनातनी एकजुट हो सके। बीती 12 जनवरी से इस यात्रा को शुरू किया है। 500 वर्ष से अधिक का समय के बाद भगवान राम सिंहासन पर विराजमान होंगे, ये पल हर्ष और गौरव का है। मोदी और योगी के नेतृत्व में सनातन सदी में ये कार्य हो रहा है जिसे हम देख पा रहे हैं। 22 जनवरी का दिन बहुत खास है, मगर कुछ लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। वो मंदिर का पूजन नहीं चाहते, मगर ऐसा नहीं हो पाएगा। जो लोग विरोध करने के लिए भ्रांतियां फैला रहे हैं वो कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे। ये हमारे लिए महादिवाली का दिन है। इस दिन पटाखे जलाकर दीप जलाने और मिष्ठान बांटने का है। यही नहीं, इस दिन सब संकल्प लें कि हम सब मिलकर सनातन की रक्षा और प्रत्येक मानव की सहायता करेंगे। सभी सनातनी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तब सनातनियों का परचम विश्व में लहराएगा। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। मैं बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा धाम से लगभग 500-600 किलोमीटर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जा रहा हूँ रामलला के दर्शन करने के लिए। हमारा ये उद्देश्य है कि सभी लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, आने वाली सदी में, आने वाले समय में सनातन की रक्षा के लिए संकल्पित हों और सनातन का मान बढ़े, ऐसा कार्य करें, मानवता से जिए। हमारा संकल्प इस समाज को सनातन के प्रति सिद्धा भाव से रखना है, लेकिन जो हमारे सनातन का विरोध करते हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाना हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम नंगे पैर पैदल यात्रा ओरछा धाम से अयोध्या धाम कर रहे हैं कि हमारा सनातनी एकजुट हो। कब से आपने ये यात्रा चालू की? हमारी यात्रा 12 जनवरी से शुरू हुई है और 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि पहुँचेगी। कैसा लग रहा है? लगभग 500 वर्षों बाद रामलला। हम सभी हर्षित हैं, गर्वित हैं। ये सौभाग्य की बात है कि 500 वर्षों से ज़्यादा हो गए हैं तब हमारे रामलला सरकार विराजमान हुए हैं, आज विराजमान हो रहे हैं। हम बड़े खुशी हैं क्यों मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सनातन की सदी में ये कार्य हो रहा है, हम उसे देख पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी इस मंदिर को 22 तारीख को ही पूजन जो कराए वो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वह चाहते हैं कि मंदिर का पूजन ना हो पाए और जो सरकार बदल जाए अगर, तो हम अपना जो कुचक था, हमने वकील खड़े किए, सनातन का विरोध किया, उसमें सफल हो जाए। तो मेरा यही कहना है सभी सनातनियों से कि जो भ्रांतियां हो रही हैं, जो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि 22 तारीख को पूर्ण नहीं हुआ है, मंदिर का महूर्त नहीं है, ये बहुत अच्छा समय है। हमारे मोदी जी योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, 500 वर्षों बाद रामलला सरकार विराजमान हो रहे हैं। हम सबको इस दिवाली को महादिवाली मनाना है, ध्वज लगाना है, दीपक जलाना है
धूमधाम से पटाखे फोड़ना है, मिठाई बांटना है और इससे संदेश लेना है कि हम सनातन की रक्षा करेंगे और प्रत्येक मानव की सहायता करेंगे। राम मंदिर बन गया है, इसके बाद संत समाज की और क्या मांग है? हमारी और संत समाज की सभी सनातनियों की मांग है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम लोग जो अन्य जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसी सरकारें नहीं जिन्होंने कुछ बोर्ड बना दिए, बक बोर्ड वगैरह या कुछ ऐसे नियम कानून बना दिए जो हम सनातनियों के लिए बड़े ही घातक हैं, तो हम चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, सनातन का परचम पूरे विश्व में फहराए।